नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा और कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, दोनों ही जगह 90-90 सीटों पर चुनाव हो रहे थे। आज बात करेंगे कि हरियाणा में जिन चार मुसलमानों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था उनको लेकर, वो चारों ही इलेक्शन में जीत चुके हैं और एक कैंडिडेट ऐसे थे जिनको बीजेपी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट दिया था, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो क्या कुछ रहा है? जैसा आप जानते हैं कि 50 सीटों पर बीजेपी जो है अभी भी हरियाणा में एज कर रही है, उसमें से 27 लोगों का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और कांग्रेस जो है वो 35 सीटों पर रुकी हुई है, जिसमें से 22 कैंडिडेट का जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जो अदर पार्टी है उनके पास दो दो जो कैंडिडेट है, दो या एक, वो भी एज कर रहे हैं, अभी उनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं है। तो अब बात करेंगे कि कौन कौन ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट थे जो इस बार हरियाणा में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार रहे। मामन खान, उनकी बात करेंगे। उनके अलावा जो भी कैंडिडेट लड़े हैं उनका मैं आपको बताता हूं कितने वोटों से जीते हैं, कौन सी सीट से जीते हैं और किस से जीते हैं। विधानसभा 80 है फिरोजपुर झिड़का। मामन खान कौन नहीं जानता, जब दंगा हुआ था तो काफ़ी फेमस रहे थे, कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार रहे थे। एक बड़ी शानदार जीत दर्ज की है 98,441 वोटों से। कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे थे, 20 राउंड की जो काउंटिंग हुई थी उसमें इन्होंने जीत हासिल की है। नसीम अहमद भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ रहे थे, जिनको इन्होंने हराया है। दूसरी जगह है हतीन, यानी 82वीं विधानसभा है, मोहम्मद इसराइल इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं ये, कांग्रेस के टिकट से इस बार जो है चुनाव के मैदान में थे। इन्होंने मनोज कुमार भारतीय जनता पार्टी को हराया है और मार्जिन रहा है 32,396। 18 राउंड की जो है काउंटिंग हुई थी, उस काउंटिंग में 32,396 वोटों से ये जीते हैं। तीसरे हैं, जगाधरी से लड़े हैं ये, अकरम खान इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट से लड़े थे। कुंवरपाल जी को इन्होंने हराया है, भारतीय जनता पार्टी से कुंवरपाल जी थे और इनका जो है अभी एक राउंड खुलने को रह गया था, लेकिन इनकी जीत भी सुनिश्चित है क्योंकि 7,100 वोटों से ये आगे चल रहे हैं, तो इनका भी जीतना लगभग तय ही है और जीते हुए ही हैं। अब नूह की बात करते हैं। नूह को कौन नहीं जानता है, नूह दंगों में काफ़ी फेमस हुआ है। 79वीं विधानसभा है, आफ्ताब अहमद इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट से यहाँ पर लड़े थे। इन्होंने ताहिर हुसैन को हराया है और ताहिर हुसैन जो थे वो इंडियन नेशनल लोकदल से थे। 46,963 वोटों से जो है इन्होंने हरा दिया है ताहिर हुसैन को। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस विधानसभा के इलेक्शन में चार ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बीजेपी वालों को छोड़ दिया जाए या कोई इंडिपेंडेंट लड़ा था उसको छोड़ दिया जाए, चारों ने जो पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से, उन चारों ने ही जीत का वर्चस्व लहराया और मामन खान ने एक बार फिर हरियाणा लेवल पर बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। हालांकि कांग्रेस जो कुछ करना चाहती थी या जो कुछ उनके वादे थे, कहीं ना कहीं उनकी गारंटी योजना जो कहीं ना कहीं असर नहीं कर पाई है और हरियाणा की आवाम ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया, बीजेपी की जो नीतियां उन पर भरोसा जताया और एक बार फिर बीजेपी जो है हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बाध्य और जो पूर्ण बहुमत का जो एक आंकड़ा है उससे कहीं ना कहीं वो आगे निकले हुए हैं। तो 10 साल का जो लगातार कार्यकाल रहा है बीजेपी का, उसमें जो उसने काम किए हैं, तो हरियाणा की आवाम ने एक बार फिर मोदी की जो सरकार है यानी बीजेपी की जो सरकार है उसी पे भरोसा जताया है और इस बार भी हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। ये चारों विधायकों को लेकर छोटी सी वीडियो थी जो मुस्लिम विधायक ने पार्टिसिपेट किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर कायम करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।